सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चाय के साथ चॉकलेट मफिन्स मिल जाए तो कुछ बात ही अलग है। आज मैं अपनी फैमिली के साथ चाय और चॉकलेट मफिन्स एंजॉय करने जा रही हूँ और मेरे दोनों बच्चे बहुत ही खुश हैं क्योंकि बच्चों को चॉकलेट मफिन्स बहुत ही पसंद है। आप लोग भी इन मफिन्स को एक बार ट्राई कीजिए, यकीन मानिए आप लोगों के बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएंगे। और हाँ, इस मफिन्स के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले फूड वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए हम लोग एगलेस चॉकलेट मफिन्स बनाना शुरू करते हैं। एगलेस चॉकलेट मफिन्स बनाने के लिए हम एक बड़े बाउल में 200 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल देते हैं और इसमें 200 ग्राम दही डाल देते हैं। मैंने दही को फ्रेश लिया हुआ है। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि दही और चीनी आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें 165 ग्राम ऑयल डाल देती हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही, चीनी और ऑयल आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चलिए अब हम इसके लिए ड्राई मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। ड्राई मिक्सचर के लिए मैंने एक बाउल में 200 ग्राम मैदा ली हुई है। क्योंकि हम चॉकलेट मफिन्स बना रहे हैं तो इसके लिए मैंने 40 ग्राम कोको पाउडर लिया है, जो मैं मैदे वाले बाउल में डाल देती हूँ। और 5 ग्राम बेकिंग सोडा डाल देते हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं ड्राई मिक्सचर को एक छलनी की सहायता से छान लेती हूँ। मैंने मैदा, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर का एक जो ड्राई मिक्सचर तैयार किया है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें 200 ग्राम मिल्क डाल देती हूँ। अब मैं इसको स्लोली स्लोली मिक्स कर देती हूँ। और लास्ट में चॉको चिप्स ऐड कर देती हूँ। वो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब हम इसको मफिन मोल्ड में डाल देते हैं। अब मैं 1x1 करके बैटर को मफिन मोल्ड में डाल देती हूँ। मुझे मफिन मोल्ड को ऊपर तक नहीं भरना है, 70% ही भरना है। इस तरह से हमने अपने मफिन्स मोल्ड तैयार कर लिए। अब मैं इसके ऊपर थोड़े थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल देती हूँ। चलिए अब हम इसको ओवन में बेक करने के लिए रख देते हैं। मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट कर लिया था। मैंने इसको 180 डिग्री पर 40 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया है। मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं।
मैं एक नाइफ की सहायता से चेक कर रही हूँ। ये देखिए हमारा नाइफ बिल्कुल साफ है, इसका मतलब है कि हमारे मफिन्स कम्प्लीटली बेक हो चुके हैं। चलिए अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। जब हमारे मफिन्स कंप्लीटली ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको डीमोल्ड करेंगे। अब हमारे मफिन्स ठंडे हो चुके हैं, मैंने इनको डीमोल्ड भी कर लिया है। चलिए टेस्ट करते हैं। ये देखिए हमारे मफिन्स कितने स्पंजी स्पंजी सॉफ्टी सॉफ्टी बने हैं। चलिए इसको टेस्ट करके दिखाते हैं आप लोगों को। वाव, हमारे एगलेस चॉकलेट मफिन्स तो बनकर के बहुत ही खा करके मजा आ गया। इस प्रकार हमारे यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी एगलेस चॉकलेट मफिन्स बनकर के तैयार हैं। आप लोग इस रेसिपी को अपने अपने घरों में एक बार जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल श्वेता पोरवाल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।